का एक ही चेला था। सारे दिन तो गुरु जी की सेवा करे, पैर दबाए, और जैसी संध्या हो तो संध्या के समय वो लड़का और अपने घर को चले। तो एक दिन गुरु जी काम लगे, काय बेटा, गुरु जी तुम सारे दिन तो हमारी सेवा करते हो, इस आश्रम पे रहते हो, लेकिन शाम को कहाँ जाते हो? शाम को जाता गुरु जी, हम अपने घर है। घर है? हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी हमारे लिए साबुदाने की खीर बनाती है। लला साबुदाने की खीर वो तुम्हारे लिए नया बन तो होगी, बना तो अपने होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैं पीछे से मिल जाता हूँ। गुरु जी हमें दोनों छाक पर हमारे बेला दे रही है। ताई से बस सामट है। लला अगर तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर इतना ही विश्वास है तो हम तुम्हें एक विद्या सिखा रहे हैं, श्वास टांगना, जिससे आपको आपकी पत्नी की परीक्षा हो जाएगी कि आपकी पत्नी आपको कितना चाहती है। तो गुरु जी ने वह लड़का को श्वास टांगने की विद्या से कराई, और विद्या ऐसी सिखराई कि वो लड़का दो दो तीन तीन घंटा जो श्वास टांग के बीत जाए तो जे मालिक पड़े के जामे कुछ है ही ना है, बिल्कुल मामला छुट्टी। जब विद्या में निपुण हो गया तो एक दिन लड़का से कही कि बेटा अब तुम विद्या में निपुण हो गए, अब अपनी पत्नी की परीक्षा कर सकते हो। और हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो थोड़े थोड़े पीछे हो जाए, जो भी माता बहनें आती जा रही है वो बैठ भी जाए, व्यवस्था बनाते जाए, भैया व्यवस्था कर लो। तो लड़का एक दिन घर पे चलो, और जैसे ही घर पे पहुंचो तो जाकी पत्नी कैसी तो रही है, तो जाने एक आंख नीची दूसरी आंख नीची, कान को सुनती हूं पेटम पीर और चारों डंडा चित्त गिर गया। पत्नी कान लगी तुम ऐसो करो बाजार को चले जाओ दवाई ले आओ, और मैं तो भैंसिया धो रही हूँ, हमारी भैंसिया कूद जाए। लड़के इतना चारू रह एक आंख मीची दूसरी आंख मीची और आंगन में चारों डंडा चित्त गिरो। लेकिन भाई आंगन में तो सीमेंट को खम्मा हो, सुबह ने ऐसे करके पैर जोड़ निकल गए। पत्नी ने देखी अबे तो ठीक ठाक है, पेटम पीर बताए पतो नहीं क्या होएगा। नवज देखी सो नवज रह गए। पत्नी सोचने लगी अगर अबे रोल लगी तो मैंने सवेरे साबुदाने की खीर बनाई पाए नहीं खाए पामे तासे ऐसो करे कि पहले खीर खाए। तो पत्नी अंदर घर में गई तो घर में जाके मैंने खूब अपने खूब खाई, और बाहर आए के पति के ऊपर कब फटा तो रोल लगी। गांव के लोगों ने जैसे सुनी काम लगे भैया अबे तो तुम्हारी सब बिल्कुल ठीक है, माता का बड़ा अच्छे आदमी है भैया, दुनिया में कछु ना है, भैया बड़ा अच्छे आदमी है दुनिया में कछु ना है। वो कहते हो ना बाबा जी ने देखी के कहूं ऐसा ना होए कि तब तक हमार चेला बिल्कुल ही मर जाए, ना चेला की खबर लेकर होए रहो। तो बाबा जी आए और बाबा जी ने गांव में आके आवाज लगाई कि हम वो दवा जानते अगर कोई मुर्दा खत्म हो जाए तो हम एक ही खुराक में उस मुर्दे को जिंदा कर देते, लेकिन सर देख रहे कि हम दवा देंगे जो दवा खाएगा वो तो उसके बदले में मर जाएगा, लेकिन उसके बदले में वो लड़का जिंदा हो जाएगा। गांव के कुछ लोगों ने सुनी तो गांव के लोगों ने बाबा जी को लेके भाई लड़का के पास में पहुंचे, कान लगे स्वामी जी ये लड़का हमारे गांव में खत्म होएगा। बाबा जी कान लगे देखो लड़का तो जिंदा हो जाएगा, पहले एक गिलास दूध मंगवा। दूध मंगवाया तो बाबा जी ने राख ली और राख लेके बाद दूध में डाल दी, कहने लगे हमने जैसे दूध में ऐसी दवा डाली है
कि जो इस दूध को पी लेगा वो तो मर जाएगा और उसके बदले में ये लड़का जिंदा हो जाएगा। अब्बा लड़का की पत्नी रोए, भाभी रोए, अम्मा रोए, पूरो का रोए रंग। भाभी का सुजान रो रही थी, क्या पूरे आंगन की चादर से पालक धोते करती करती फिरे आए थे, पर अब तुम चले गए, तुम आए तो ना हम कैसे रहे। बाबा जी कान लगे सो करो ना, भाभी को देवर ज्यादा प्यारे थे, तो मेरे भाभी को पूछ लो कि अगर भाभी पी ले भाभी से कहीं गाय, तुम लला की भाभी हो और तुम्हारे देवर मर गए, तुम जा कबा को पी ले हो तो तुम तो मर जाओगी, लेकिन इसके बदले में ये तुम्हारे देवर जिंदा हो जाएंगे। कल लगी भाभी के पिए बोझा को मर गए हो, सो हमारे तो 3:30 हाथ को जितना बैठे हो, बाद में तो मर आओ बूढ़ी अम्मा को, तार छोटो है रुपया उड़ जाएंगे, बूढ़ी अम्मा से कहीं का है तुम्हारा लड़का, चलो वो लड़का से बड़ो दुख कोई दुनिया में हो तो ना है, तुम बड़ी बूढ़ी है गई, तुम ऐसो करो कि तुम जा दवा को पी लो, तुम मत जाओ और तुम्हारे बदले में लड़का जिंदा हो जाए। मैया कहने की देखो दवा तो हम पी लेते कोई बड़ी बात ना आई, दवा तो हम पी लेते कोई दिक्कत ना आई, लेकिन अगर हम मर गई तो हमारे जो डोकर बैठे इन्हें कोई तुए रोटी दे पैया ना है, बस दवा तो हम पी लेते, अब ऐसो करो लला तो चलो ही गो, लला और होते कोई बात ना। अब बाद में नंबर आवा की पत्नी को, पत्नी रोए, पत्नी के पास में आए का है, पत्नी के लिए पति पतवार होता है, और जब पति चले गए तो तुम भी इस अधूरी जिंदगी का क्या करोगे, इसलिए तुम ऐसा करो कि इस दवा को पी लो, तुम तो मर जाओगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जिंदा हो जाएगा। बाबा जी बात तो तुम्हारी सही है, दवाई तो दवाई भी का है तो पी लेते लेकिन जिंदा हो और हम बच्चे चोरा बिछुड़ जाए तो ही का मतलब है, अपने ऐसो है, अब जब मर गए सो मत जाना, हमारे तो है चली आई है, जाना है तो मंत्र सारी दूसरी जगह करवा ली है, मैंने मत जानते पत्नी कहा लगी बाबा जी जब हम ही मर गए तब पति जितना भय तो ऐसे जीवन से ही का मतलब है, और हमारे जो तो है चले आइए कि जाना तो खा के दूसरी जगह कर देंगे, ऐसे ऐसे करो अब मर ही जाना। जब सबने मना कर दिया बाबा जी कान लगे तुम्हारी सबन की इच्छा हो चले हम ही पी ले, सोई सब लोग बोले बाबा जी जा से अच्छी कोई बात ही ना आए, सो बाबा जी ने वो गिलास वो दूध लो पी गए, लड़का तो कहीं नला उठा वो मकाई के परे देख लिया, जैसी लड़का उठ के खड़ो भाव पत्नी भाग के पैर न में गिर परी, हाय राजा हाय सैया जाने काल पे तमाचा दिया नालायक की बच्ची, गुरुजी सही कहते थे, और एक बात बोली कमाई करके लाभ मामी करती प्यार,
पिता कहे जी तू तो सबूत का अकलमंद होशियार जगत में मतलब को व्यवहार सुंदर वस्त्र आभूषण नारी मानत बारंबार ओ जो तुम बात लायक न दे वो तुम खड़ा लिए थी पिता जगत में मतलब को व्यवहार अरे मतलब थी भैया भैया तुम तो बेमतलब में फंसे हो पत्नी के ऊपर विश्वास कर रहे हो पत्नी कभी किसी की नहीं होती बोले गुरुदेव मेरी पत्नी पति